गुड डे फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन का पीरियड कैसे निकाला जाता है। अब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस आपको पता होगा, एफओजी और जीओएफ। तो जब मैं दो अलग अलग नेचर के फंक्शंस का, अलग अलग नेचर का मतलब यह है कि कोई पीरियोडिक है, कोई नॉन पीरियोडिक है, कोई मोनोटोनिक है, कोई नॉन मोनोटोनिक है, इस तरह के अलग अलग नेचर वाले फंक्शंस का जब मैं कॉम्पोजिशन करता हूं, तो क्या जो रिजल्ट में मुझे कॉम्पोजिट फंक्शन मिलेगा वो पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, तो उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने हैं। मैं आपको चार रूल्स बताने वाला हूं इस वीडियो में पीरियड ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में। तो पहला रूल तो ये है कि अगर मेरे पास एक मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होता है या तो हमेशा इंक्रीज हो या हमेशा डिक्रीज हो। जैसे ई रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, या मैं कहूं जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वो भी हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, या अगर हम माइनस एक्स क्यूब कहते हैं तो हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमेशा इंक्रीज होने वाला या हमेशा डिक्रीज होने वाला ऐसा जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। तो पहला रूल ये है कॉम्पोजिट फंक्शन के पीरियड के बारे में कि अगर एक आपको मोनोटोनिक फंक्शन दिया हुआ है और आपने उसका कॉम्पोजिशन कर लिया पीरियोडिक फंक्शन के पास, तो मैं पहला रूल आपको बता रहा हूं कि इफ मोनोटोनिक फंक्शन का मीनिंग मैंने आपको बताया, मोनोटोनिक फंक्शन जी एक्स इज कंपोज्ड ओवर अ पीरियोडिक फंक्शन एफ, ठीक है, देन द कॉम्पोजिट फंक्शन एफ ओ जी, देन द कॉम्पोजिट फंक्शन एफ ओ जी, मैं लिख रहा हूं आपके लिए ताकि आपको कॉपी कर सके आप, जीओएफ इज ऑलवेज पीरियोडिक। तो ये फंक्शन हमेशा पीरियोडिक होगा, मैं शॉर्ट में इसे लिख रहा हूं पीआरडीसी, पीरियोडिक। तो अगर मोनोटोनिक फंक्शन जी मेरे पास है, उसका मैंने कॉम्पोजिशन किया पीरियोडिक फंक्शन के साथ, तो जो मुझे जीओएफ फंक्शन मिल रहा है वो हमेशा पीरियोडिक होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, मैंने जीएक्स ले लिया ई रेस टू एक्स और एफ एक्स ले लिया साइन एक्स, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो जीओएफ एक्स बनेगा, जीओएफ एक्स दैट विल बी जी ऑफ एफ एक्स That will be g of sin x और वो हो जाएगा e raised to sin x। अब मुझे पता है e raised to sin x एक periodic function है, because g of x plus 2 pi will be e raised to sin of x plus 2 pi and that will be e raised to sin x and that will be g of x, ठीक है ना। तो देयरफॉर आपने देखा कि अगर मेरे पास g एक मोनोटोनिक फंक्शन है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, इस समय यहां पर g जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसका मैंने f के साथ कॉम्पोजिशन किया, f एक पीरियोडिक फंक्शन है, साइन आपको मालूम है एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ओवर अ पीरियोडिक फंक्शन, उससे जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो भी क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए, पॉज करके मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोजिंग हमने जी एक्स को माइनस एक्स क्यूब ले लिया, अब ये कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये हो जाएगा जी एफ एक्स, हो जाएगा जी एफ एक्स जी साइन एक्स, और जी साइन एक्स का मतलब होगा माइनस साइन क्यूब एक्स। अब आपको पता है माइनस साइन क्यूब एक्स भी पीरियड है, जी ऑफ एफ एक्स प्लस टू बाय दैट विल बी, ये हो जाएगा मेरे पास, इस तरह से बात हो जाएगी, माइनस साइन क्यूब एक्स प्लस टू पाई, है ना, जी ओ एफ एक्स ये है मेरे पास, तो जी ओ एफ एक्स प्लस टू पाई कितना होगा, एक्स की जगह एक्स प्लस टू पाई रख दिया, साइन एक्स प्लस टू पाई साइन एक्स होता है, तो ये कितना हो गया माइनस साइन क्यूब एक्स, और ये हो गया जी ओ एफ एक्स, यानी अगेन जी ओ एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई क्या बन गया, जी ओ एफ एक्स। तो आपको समझ में आया कि अगर मोनोटोनिक फंक्शन है मेरे पास कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग,
पहले एग्जांपल में मैंने जी एक्स लिया ई एक्स जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब मैंने लिया माइनस एक्स क्यूब जो कि कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मोनोटोनिक फंक्शन अगर मेरे पास है उसका मैं पीरियोडिक फंक्शन से कॉम्पोजिशन करूंगा तो जो रिजल्ट में मुझे जी ओ एफ मिलेगा वो कैसा रहेगा, पीरियोडिक फंक्शन रहेगा, ये बात है। तो इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए, मैं अब सेकंड रूल लिखने जा रहा हूं आपके लिए कॉम्पोजिशन के बारे में। तो सेकंड रूल है कि फॉर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, नॉन मोनोटोनिक मींस वो इंक्रीज डिक्रीज दोनों होना चाहिए। जैसे कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आएगा आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आएगा। तो नेगेटिव से जब जीरो की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, और जीरो से पॉजिटिव जा रहे हैं तब ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। नॉन मोनोटोनिक मींस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों। तो इफ अ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन जी एक्स इज कंपोज ओवर अ पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स, देन द कंपोजिट फंक्शन मे बी पीरियोडिक और इसका जो पीरियड है वो एफ के पीरियड से कम आ सकता है। तो ये मे बी पीरियोडिक होगा और इसका जो कंपोजिशन होगा, इट इज ऑलवेज पीरियोडिक। मोनोटोनिक हो चाहे नॉन मोनोटोनिक हो, ये ऑलवेज पीरियोडिक, लेकिन इसका जो पीरियड आएगा जीओ एफ का वो एफ के पीरियड से कम हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है लेकिन कम हो सकता है। पहले वाले केस में मोनोटोनिक फंक्शन था, तो मोनोटोनिक फंक्शन में जो एफ का पीरियड है वही पीरियड आपका आएगा। तो अगर आपका मोनोटोनिक फंक्शन का कंपोजिशन ले रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन के साथ, तो आपका जो कंपोजिशन का पीरियड आएगा वो वही होगा जो एफ का होगा। लेकिन अगर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन का आपने कंपोजिशन लिया पीरियोडिक से तो ये भी ऑलवेज पीरियोडिक होगा, लेकिन इसका पीरियड एफ के पीरियड से कम आ सकता है। पहले वाले केस में कम नहीं आएगा, वही होगा, लेकिन यहां पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां पे एफ का पीरियड, अगर मेरा नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है जिसका मैं कॉम्पोजिशन लेना चाहता हूं पीरियडिक फंक्शन एफ के साथ, तो वो पीरियडिक तो बनेगा लेकिन उसका पीरियड एफ से कम आ सकता है। ये डिफरेंस है दोनों रूल्स के बीच में। तो समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोजिंग मैंने लिया जी एक्स को एक्स स्क्वायर, ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, और मैंने एफ एक्स को ले लिया टेन एक्स, सॉरी साइन एक्स ले लेता हूं। चलो आपको मालूम है इसका पीरियड 2π है, चेक करते हैं कि जी ओ एफ का पीरियड 2π से कम आता है कि नहीं जैसे हमने कहा। तो जी ओ एफ एक्स विल बिकम जी ऑफ एफ एक्स, दैट विल बी जी ऑफ साइन एक्स। अब मेरे पास जी एक्स एक्स स्क्वायर है तो जी साइन एक्स कितना बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स। आपको मालूम है इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो इसका जो पीरियड आया जी ओ एफ का वो पाई आया, वो एफ के पीरियड यानी साइन के पीरियड से कम है, कम आ सकता है, कम आएगा, हमेशा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, कम आ सकता है। मे ऑलवेज पीरियडिक तो होगा लेकिन पीरियड मे बी लेस देन द पीरियड ऑफ एफ। इसको कॉपी कर लीजिए, मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको देता हूं। सपोजिंग मैंने एफ एक्स को टेन एक्स लिया, ये भी एक पीरियडिक फंक्शन है और आपको पता है टेन का प्रिंसिपल पीरियड पाई है, तो यहां पे टेन एक्स आ जाएगा, ये टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और आपको पता है टेन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, यानी इसका पीरियड वही आया जो एफ का पीरियड है, क्योंकि टेन एक्स का पीरियड पाई होता है हमको मालूम है, इसका पीरियड पाई होता है, एफ का पीरियड भी पाई आया और जी एफ का पीरियड भी पाई आया। तो जब हम नॉन मोनोटोनिक फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन से कंपोजिशन करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो ऑलवेज पीरियोडिक होगा लेकिन उसका पीरियड एफ के पीरियड से कम आ सकता है, इक्वल आएगा, हमेशा ऐसा कंपलसरी नहीं है, इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, ये मैंने आपको बताया। तो ये बात हुई कि जब हम मोनोटोनिक या नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस का कंपोजिशन करते हैं किसी पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर। अब देखते हैं तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन लेते हैं तो क्या होता है। तो कंपोजिशन ऑफ, थर्ड रूल बता रहा हूं मैं आपको, देखिए थर्ड रूल, इफ टू नॉन पीरियोडिक फंक्शंस आर कंपोज्ड, इफ टू नॉन पीरियोडिक फंक्शंस आर कंपोज्ड
इफ टू नॉन पीरियोडिक फंक्शंस आर कंपोज्ड, तो हमें लग रहा है कि दोनों नॉन पीरियोडिक हैं तो उनका जो कंपोजिशन है वो भी शायद नॉन पीरियोडिक आएगा, ऐसा नहीं है, द कंपोजिशन कैन बी पीरियोडिक, देन द कंपोजिशन then the composition may be periodic, may be periodic, periodic होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि दोनों नॉन पीरियोडिक हैं तो उनका कॉम्पोजिशन भी नॉन पीरियोडिक रहेगा, ऐसा नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको यह पता चलना चाहिए कि पीस वाइज फंक्शन का कॉम्पोजिशन कैसे करते हैं, तब आपको इसका एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखिए, तो इस तरह से बात कर रहे हैं, आपने अगर ये रूल लिख लिया तो मैं मिटा दूं, बिकॉज आई नीड स्पेस टू राइट, इफ टू नॉन पीरियोडिक फंक्शंस आर कंपोज्ड देन द कंपोजिशन मे बी पीरियोडिक, तो इसको मैं मिटा देता हूं और मैं आपके लिए एग्जांपल लिखता हूं। ठीक है, देखो बच्चों ये काफी बड़ा समझ आएगा। देखिए, सपोजिंग मेरे पास है fx मेरे पास है इंटीजर पार्ट ऑफ x for all x belonging to R, and gx मुझे दिया हुआ है इस तरह से x square whenever x does not belong to z, and ये मुझे दिया है 2 into x की power 0 whenever x belongs to z। अब actually ये 2 है, मैं x की power 0 इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि composition कैसे होता है। देखो, g जो फंक्शन है वो पीस वाइज डिफाइंड है, बिकॉज अलग अलग डोमेन में g के फॉर्मूले अलग अलग मुझे दिए हुए हैं। तो जब अलग अलग डोमेन में मेरे पास किसी फंक्शन के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो इस पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का हम कॉम्पोजिशन कैसे करेंगे या ध्यान से देखेंगे। आई होप आप लोगों को आता होगा, ये टॉपिक आपने कर लिया होगा। देखो, जीओ एफ एक्स मुझे निकालना है, जीओ एफ एक्स, सो दैट इज जी ऑफ एफ एक्स। अब आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, कॉम्पोजिशन ऑफ पीस वाइज कैसे निकालते हैं, इन एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, फिर पीरियोडिसिटी पे बाद में जाएंगे। देखो, मैंने जी ऑफ एफ एक्स लिखा, मेरे पास जी के ये दो फॉर्मूले हैं, जी एक्स इज दिस मच एंड जी एक्स इज दिस मच, मुझे जी एफ एक्स चाहिए, तो एक्स के बदले एफ एक्स आ गया, तो जहां जहां पर एक्स है वहां पर आप क्या लिख देंगे, एफ एक्स लिख देंगे। ये जी एक्स के फॉर्मूले हैं, मुझे जी एफ एक्स चाहिए, तो जहां जहां पे एक्स है वहां पर एफ एक्स आ जाएगा, यहां पर एफ एक्स आ जाएगा, यहां एफ एक्स आ जाएगा, यहां एफ एक्स आ जाएगा, यहां एफ एक्स आ जाएगा, ये बात हो रही है। तो मैं लिखूंगा इस तरह से, क्योंकि जी के मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, जी एफ एक्स कैन बी दिस मच और जी एफ एक्स कैन बी दिस मच, तो ये हुआ एफ स्क्वायर एक्स व्हेन एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड, जहां जी एफ एक्स लिख रहा हूं जहां जहां पर एक्स है वहां पर एफ एक्स लिख दीजिए, यहां पर भी 2 इंटू एफ जीरो एक्स एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड, यहां पर नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी एफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू जेड, यहां पर एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड, और मेरे पास ये जो एफ एक्स है मैंने एफ एक्स लिखा दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये बात हो रही है। तो ये जो एफ एक्स मैंने लिखा है, देखो पहले हम क्या करेंगे, जी एफ एक्स, तो जी के फॉर्मूले में जहां जहां पर एक्स है वहां मैंने एफ एक्स लिख दिया, इतना आपको समझ में आ गया, और एफ एक्स के लिए एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, ये भी एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये बात है। अब देखिए, इन दोनों को देखिए आप ध्यान से, ये चीज और ये चीज, या मैं चलो वही लिखता हूं आपके लिए आगे तो आपको और समझ में आएगा, यहां से आगे जाते हैं और यहां से ये आगे जाते हैं, ये इक्वल टू कितना होगा, देखो मेरे पास एफ एक्स का फॉर्मूला है इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, तो जहां जहां पर एफ एक्स लिखा हुआ है वहां लिख दूंगा मैं इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, तो यहां मैं लिख दूंगा इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां पे लिख दूंगा इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, जहां जहां पर एफ एक्स है वहां पर मैंने लिख दिया इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो यहां पर इंटीजर एक्स का स्क्वायर इंटीजर एक्स और एक्स बिलोंग्स टू आर, यहां पर भी ये तो मेरे पास 2 इंटू 1 हो गया, तो फिर भी मैं 2 इंटू इंटीजर एक्स की पावर 0 ऐसे लिख देता हूं, एफ एक्स की जगह इंटीजर एक्स, ताकि आपको समझ में आए, एफ एक्स की जगह पे इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स,
इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये बात हो गई। तो इतनी चीजें मेरे पास आ गई, इतनी चीजें मेरे पास आ गई, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, जी एफ एक्स निकालना था, हमने जी एफ एक्स लिखा, जी के फॉर्मूले में एफ एक्स आ गया, जहां जहां पर एक्स है वहां मैंने एफ एक्स लिख दिया। तो पहले मेरे पास ये बात आ गई। अच्छा, जब मैंने एफ एक्स लिखा तो एफ एक्स वॉज दिस मच फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो मैंने लिख दिया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। जैसे ही मैंने एफ एक्स लिख दिया, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद में अब मैं एफ एक्स की वैल्यू को टप कर रहा हूं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। तो एफ एक्स इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर, इंटीजर एक्स नॉट बिलोंगिंग टू जेड, टू इंटीजर एक्स की पावर जीरो, इंटीजर एक्स बिलोंगिंग टू जेड एंड एक्स बिलोंगिंग टू आर। अब अगर इनको आप देखेंगे तो पहला चीज और दूसरा चीज देखो, ये हुआ इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए। अब ये क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंगिंग टू आर एंड इंटीजर एक्स नॉट बिलोंगिंग टू जेड। तो बेटा ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर एक्स बिलोंगिंग टू आर होगा तो इंटीजर एक्स तो जेड को बिलोंग करेगा ही करेगा, ऐसा तो कोई एक्स नहीं होगा जो इंटीजर एक्स जेड को बिलोंग ना करे। मतलब यहां पर जो मेरे पास एक्स की वैल्यूज हैं, इन दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन नल सेट आ गया, बिकॉज दोनों ऑपोजिट है। इसलिए ये जो एफ एक्स का फॉर्मूला आ रहा है, जी एफ एक्स का फॉर्मूला आ रहा है, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज फॉर एक्स बिलोंगिंग नल सेट, मतलब ये फॉर्मूला पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। और यहां देख लीजिए, ये हो गया टू, ये वाला इंटीजर एक्स की पावर जीरो वन हो जाएगा, टू इंटू वन टू हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू आर, इंटीजर एक्स बिलोंग टू आर, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन चाहिए। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से एक्स हैं जिनका इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स विल बिलोंग टू जेड, सारे रियल नंबर्स का इंटीजर पार्ट जेड को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब यह है कि एक्स बिलोंग टू आर, और इसका मतलब एक्स बिलोंग टू आर, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, एक्स बिलोंग टू आर। तो ये मेरे पास आ गया एक्स बिलोंग टू आर। कुल मिला के बाद ये हो गई कि जी एफ एक्स का फॉर्मूला आ गया टू, फाइनली मेरे पास आ गया जी एफ एक्स इक्वल टू टू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, इस तरह से बात हुई। और हमें बताया कॉन्स्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है विद नो फंडामेंटल पीरियड। इस तरह से हमने कॉम्पोजिशन निकाला। मैं आपके सामने एक और सम करूंगा ताकि आपको चीज समझ में आए कि कॉम्पोजिशन कैसे करते हैं पीस वाइज फंक्शन का, ठीक है। प्लीज पॉज एंड कॉपी, फिर मैं आपको दूसरा सम दिखाता हूं। देखिए देखो बच्चों, एक और फॉर्मूला हमारे पास है, एफ एक्स मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर Whenever x does not belong to z, और एफ एक्स का फॉर्मूला दिया है 3x0 whenever x belongs to z. Actually एफ एक्स वैल्यू 3 है when x belongs to z, लेकिन मैं 3x0 लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इसमें हम कॉम्पोजिशन कैसे करेंगे। तो जब भी कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रखी हो एफ एक्स वैल्यू 3, तो उसको x की पावर 0 कर लो, तो आपके लिए कॉम्पोजिशन बनाना ईजी रहेगा। ओके, तो ये मुझे एफ एक्स दिया हुआ है, दो वैल्यू दी हुई है, और जी एक्स मुझे इस तरह से दिया हुआ है 3 इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस 2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आर। तो यहां पर मैं आपको FOG बना के दिखाऊंगा, FOG ऑफ x। तो ये हो जाएगा F ऑफ GX, ठीक है भाई। तो F ऑफ GX, GX मतलब मेरे पास ये है, FX में मैं x के बदले GX रख दूंगा, तो जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर मैं ये चीज रख दूंगा gx। ध्यान से देखिए, f gx निकालना है मुझे, fx इतना है, तो f gx कितना होगा, x के बदले gx आ गया, तो यहां जहां जहां पर x है वहां पर आपको क्या लिख देना है, gx लिख देना है। तो f gx मेरे पास बन जाएगा, ये चीज हो गई मेरे पास, देखो gx यहां पर रखूंगा तो ये हो गया जी स्क्वायर एक्स प्लस 2gx प्लस 4 whenever gx does not belong to z, सब जगह gx लिख दिया, या फिर ये बन जाएगा 3 gx की पावर 0 whenever gx belongs to z। तो जहां जहां पर x है वहां पर हमने gx लिख दिया, मुझे f gx निकालना है,
एक्स के फॉर्मूले में मैंने जी एक्स रख दिया, एक्स की जगह पे जी एक्स, तो जहां जहां पर एक्स है वहां पे जी एक्स रख दिया, पहली बात यह। अब सेकेंड पॉइंट होगा मुझे जी एक्स रखना होगा, जी एक्स कितना है, जी एक्स मेरे पास कितना है, इतना है 3 इंटीजर एक्स माइनस 2, तो जहां जहां पर जी एक्स है वो यहां पर यह रख दीजिए। तो ध्यान से देखिए जी एक्स का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 3 इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2 एंड प्लस 4, और इसकी मैं कंडीशन लिख रहा हूं, ये है मेरे पास जी एक्स नॉट बिलोंगिंग टू जेड, मतलब 3 इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2 नॉट बिलोंगिंग टू जेड। देखो मैंने लिखा जी एक्स की जगह पे 3 इंटीजर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटीजर एक्स माइनस 2 प्लस 4 लिखा मैंने, ये प्लस 4, और जी एक्स नॉट बिलोंगिंग टू जेड मतलब 3 इंटीजर एक्स माइनस 2 नॉट बिलोंगिंग टू जेड। थोड़ा बड़ा लिखता हूं कि नहीं समझ में आए, 3 इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2 नॉट बिलोंगिंग टू जेड, ठीक है ना, जहां जहां पर जी एक्स है वहां पर यह रखिए, जी स्क्वायर एक्स मतलब इसका स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स मतलब प्लस 2 इंटू दिस मच, तो प्लस 2 इंटू दिस मच प्लस 4 प्लस 4 जी एक्स नॉट बिलोंगिंग टू जेड, 3 इंटीजर एक्स माइनस 2 नॉट बिलोंगिंग टू जेड, और ये जो जी एक्स वैल्यू हमने रखी है 3 इंटीजर एक्स माइनस 2 दैट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये हमारे पास फर्स्ट वन आ गया, ये फर्स्ट वन आ गया। सेकेंड वन को यहां लिख लेते हैं 3 जी जीरो एक्स, जी एक्स की जगह पे मतलब इसकी पावर 0, तो ये हो जाएगा 3 है ना जी जीरो एक्स, तो 3 इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2 उसकी पावर 0 एंड 3 इंटीजर पावर ऑफ एक्स माइनस 2 बिलोंग्स टू जेड, जहां पे जी एक्स वहां पे लिखेंगे 3 इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2 बिलोंग्स टू जेड, और ये जो जी एक्स की हमने रखी 3 इंटीजर एक्स माइनस 2 ये फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर ऐसे हो गए। मेरे पास एफ जी एक्स का एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया, ये हो गया। अब देखो बच्चों इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई बाद में करेंगे, पहले यहां पे देखिए बिलोंगिंग टू जेड, तो ऐसा कोई भी रियल नंबर है क्या उसके लिए 3 इंटीजर एक्स माइनस 2 डज नॉट बिलोंग टू जेड, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी रियल नंबर हम लेंगे उसका 3 इंटीजर एक्स माइनस 2 क्या बनेगा, इंटीजर ही बनेगा। तो इन दोनों की एक्स की वैल्यूज का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ रहा है, नल सेट आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो एफ जी एक्स का फॉर्मूला आ रहा है, एफ जी एक्स का जो फॉर्मूला आ रहा है वो यहां पे कुछ भी हो गया, वॉट एवर द स्क्वायर एन एक्स बिलोंग्स टू नल सेट, मतलब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसी एक्स के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब यहां पर कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं आएगा, मतलब एफ जी एक्स नॉट बी इक्वल टू दिस, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो इसको हमने छोड़ दिया, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा वाला देख लेते हैं, देखो ये 3 इंटू 1 हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स हम कोई भी रियल नंबर लेंगे तो 3 इंटीजर एक्स माइनस 2 विल बिलोंग टू जेड, तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका 3 इंटीजर एक्स माइनस 2 जेड को बिलोंग करेगा, सारे रियल नंबर्स, तो ये बता रहा है कि एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, और ये भी बता रहा है एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक्स इज अ रियल नंबर, दैट मींस यू गेट 3 इंटू 1 मतलब 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एफ जी एक्स जो है एफ जी एक्स फंक्शन आ गया 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो अगेन ये भी एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, बट इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है, लेकिन फिर भी पीरियोडिक तो है। तो दो नॉन पीरियोडिक फंक्शन हमने लिए, आप देख सकते हैं दोनों नॉन पीरियोडिक फंक्शन, आपको पता ये नॉन पीरियोडिक है, ये भी नॉन पीरियोडिक है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पीरियोडिक नहीं होता है, ये कांस्टेंट फंक्शन है लेकिन ओनली पीस वाइज, तो ओवरऑल ये नॉन पीरियोडिक गिना जाएगा, और ये इंटीजर पार्ट इट इज आल्सो नॉन पीरियोडिक, तो दो नॉन पीरियोडिक फंक्शंस का हमने कंपोजिशन किया, तो हमने देखा कि उनका कंपोजिशन पीरियोडिक आ सकता है, इट इज नॉट दैट कि वो हमेशा अपीरियोडिक रहेगा, तो दो नॉन पीरियोडिक फंक्शंस का कंपोजिशन पीरियोडिक बन सकता है, ये बात आपको सिखाने की कोशिश की गई। अब एक लास्ट रूल बचता है आपके लिए, एक लास्ट रूल बचता है, उसको लिख लीजिए आप, चलिए प्लीज पॉज इन कॉपी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चार रूल सिखाने थे मुझे आपको पीरियोडिक कंपोजिशन के बारे में, तीन रूल सिखा दिए मैंने आपको, अब एक चौथा रूल है आपके लिए, फोर्थ है कंपोजिशन ऑफ
कॉम्पोजिशन ऑफ नॉन पीरियोडिक विथ पीरियोडिक मे बी पीरियोडिक, मे बी पीरियोडिक, अगेन मे बी पीरियोडिक। तो ऐसा नहीं है कि ये अपीरियोडिक ही रहेगा, बिकॉज एक नॉन पीरियोडिक एक पीरियोडिक है, तो उनका कॉम्पोजिशन नॉन पीरियोडिक होगा, ऐसा नहीं है। ये भी पीरियोडिक बन सकता है। इससे पहले वाले में हमने दोनों नॉन पीरियोडिक लिए, अभी नॉन पीरियोडिक का पीरियोडिक से कंपोजिशन कर रहा है। पहले दो रूट्स हमने क्या किया, मोनोटोनिक लिया, नॉन मोनोटोनिक लिया, फिर दोनों नॉन पीरियोडिक लिए, अभी नॉन पीरियोडिक विद पीरियोडिक वो देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए उसका एग्जांपल है हमारे पास। सपोजिंग मैंने जीएक्स को लिया, जीएक्स को मैंने लिया इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, और एफ एक्स को मैंने ले लिया कॉस एक्स। तो मेरे पास आपको मालूम है ये नॉन पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ नॉन पीरियोडिक विद पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक विद पीरियोडिक, जी ओ एफ एक्स मेरे पास बनेगा जी ऑफ एफ एक्स, तो ये हो जाएगा जी ऑफ कॉस एक्स, जी ऑफ कॉस एक्स मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ कॉस एक्स। आपको मालूम है ये पीरियोडिक है, बिकॉज अगर मैं जी ऑफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई करूंगा तो ये बनेगा इंटीजर पार्ट ऑफ कॉस एक्स प्लस टू पाई, ठीक है ना, कॉस एक्स प्लस टू पाई कॉस एक्स होता है, तो ये हो गया कॉस एक्स। तो आप देख सकते हैं कि नॉन पीरियोडिक का पीरियोडिक से जो कॉम्पोजिशन है वो पीरियोडिक बन सकता है, और इसमें पीरियड वही आ रहा है जो एफ का पीरियड है, ये बात है। प्लीज कॉपी में आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, ठीक है, देख लीजिए। सपोजिंग मैंने इसको फ्रैक्शनल पार्ट कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट कर दिया, और यहां पे साइन एक्स कर दिया मैंने, ओके, ये तो फिर हमारे पास पीरियोडिक हो जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। तो हम ऐसा करते हैं, कोई दूसरा ले लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ नॉन पीरियोडिक। सपोजिंग मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, तो जीओ एफ एक्स है नॉन पीरियोडिक विद पीरियोडिक, जीओ एफ एक्स विल बिकम जी एफ एक्स, दैट विल बिकम जी ऑफ साइन एक्स, एंड दैट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स। इसका पीरियड कितना है, पाई है। तो अगेन आप देख रहे हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू नॉन पीरियोडिक फंक्शंस, एक्स स्क्वायर पीरियोडिक नहीं है, आपको पता है पैराबोलिक ग्राफ आएगा उसका पीरियोडिक नहीं है, तो इनका भी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या बन सकता है, पीरियोडिक बन सकता है, ऐसा नहीं कि नॉन पीरियोडिक ही रहेगा। तो चार बातें आज आपने सीखी हैं। अगर मेरे पास मोनोटोनिक फंक्शन है और उसका मैं कंपोजिशन करता हूं पीरियोडिक फंक्शन से, तो वो पीरियोडिक हो सकता है, होगा ही हमेशा, होगा ही हमेशा। मोनोटोनिक फंक्शन विद अ पीरियोडिक फंक्शन हमेशा पीरियोडिक होगा, और उसका पीरियड वही होगा जो पीरियोडिक फंक्शन का है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हो या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो, तो मोनोटोनिक फंक्शन हो उसका पीरियड हम कंपोजिशन कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन से, तो जो पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड है वही आपके कंपोजिशन का पीरियड आएगा। मैंने फिर से आपके सामने रिपीट किया। फिर हमने मोनोटोनिक का नॉन मोनोटोनिक लिया था, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन जब कंपोजिशन करेंगे तो वो भी हमेशा पीरियोडिक आएगा, लेकिन वहां पर पीरियड हमारा एफ का जो पीरियड है उससे कम आ सकता है, आ सकता है, वो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। फिर मैंने आपको बताया कि दो नॉन पीरियोडिक फंक्शंस का कंपोजिशन भी पीरियोडिक हो सकता है, और एक नॉन पीरियोडिक का पीरियोडिक से भी पीरियोडिक हो सकता है, ये मैंने आपको समझाया। तो ये चार बातें थी कंपोजिशन के बारे में। इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि पीस वाइज फंक्शन का कंपोजिशन कैसे लेते हैं। होप आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी होगी, आई होप आपको नॉलेज मिली, ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।